हाँ तो शुरू करते हैं। देखो, आपने बहुत ऐसे लोग देखे भी होंगे और सुना भी होगा कि कुछ होते हैं ना नमूने जो उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में ले लेते हैं, ये वही नमूना है। SSC की कोचिंग करते हैं कि कुछ टाइम पहले अभिनव शर्मा सर ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जो कैरियर व्हील के बारे में थी, जो राकेश यादव सर के बारे में थी और जो गगन प्रताप के बारे में थी, उसके बारे में जो उनको गलत लगा उन्होंने कुछ बोला। पेड कोर्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं था, वो कोर्स के बारे में कुछ बोल रहे थे कि भी दिवाली के लिए कुछ ऑफर निकालते हो या होली के लिए कुछ ऑफर निकालते हो, ये रिलेटेड ऐसी इन चीज़ों से रिलेटेड बातें की गई थी। इस वीडियो का रिप्लाई देने के लिए गोपाल वर्मा सर ने, जो कैरियर व्हील ऐप पे पढ़ाते हैं, उन्होंने एक वीडियो निकाली थी। उनमें उन्हें जो गलत लगा अभिनव शर्मा सर के बारे में उन्होंने कुछ बोल दिया, उन्होंने मतलब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाया, जो उन्होंने गलत लगा उन्होंने बोला, दोनों ने अपनी बातें रख ली। उनके बाद किसी की भी वीडियो नहीं आई। फिर इस घोंचू की वीडियो आती है। ये घोंचू अपने आप को बड़ा ही एनालिटिक ज्ञानी समझता है, यानी दूसरों का एनालाइज करने वाला। क्यों ना इस इंसान के दिमाग में जो टट्टी भरा हुआ था उसी टट्टी का इसने यूज़ किया और सोचा क्यों ना ये जो लड़ाई हो रही है इसका फायदा उठाए और सोचा मैं रिप्लाई करता हूँ। कौन पूछ रहा था इससे रिप्लाई का? तुम गोंजू कब कहा अभिनव सर ने कि भाई पेड कोर्स निकालना गलत है? अबे तू पहले पूरी बात सुन लिया कर, बिना वजह का मुंह उठा के आ जाते हैं और सस्ता नशा करके आएंगे। क्या बोल रहा है, पेड कोर्स के लिए पैसे नहीं कुछ और भी देना पड़ता है? कभी कभी आप ओनली रुपए नहीं देते, कुछ और चीजें भी देते हो। ओ, तू देता होगा ये सब और तूने दिए भी होंगे शायद, ये अपने जैसा मत समझ दूसरों को। और अगर मान लो कोई चार्ज भी कर रहा है, कोई पेड कोर्स निकाल रहा है, और यहां पर सिर्फ उसी टीचर के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, अभिनव, ये मैं नाम एग्जैक्ट क्यों नहीं बोल लूंगा इस वीडियो के अंदर, बिकॉज फिर ये वीडियो डिलीट की जा सकती है यूट्यूब से, सामने से कॉपीराइट क्लेम किया जा सकता है, तो इसलिए मैं ये सारे में नाम बताऊंगा, अदरवाइज डरने की कोई बात नहीं है। अबे लड़ू, डर तो कॉपीराइट के होते। तू तू सच बता दे, तू तू फूंक क्या है ना कुछ ना कुछ। और वो लोग जैसे दूसरा पर्सन टगन प्रताप, मैं इसीलिए नाम लूंगा कि भाई कॉपीराइट के कारण वीडियो डिलीट ना हो जाए। तू सच बता दे, तू तू फूंक क्या है ना कुछ तो। मेरे को तो उन दोनों का टीचिंग स्टाइल, टीचिंग पैटर्न पसंद नहीं है। तो घोंचू वीडियो क्यों बना रहा है? किसने कहा वीडियो बनाने के लिए, जब तुझे दोनों ही टीचर पसंद नहीं है? बिना ही इलॉजिकल बातें किए जा रहा है, अब पक्का ये अपने पसंद के टीचर की बात करेगा। और मेरे को किसका पैटर्न पसंद है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारे टीचर्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है? देखा कहा था, अबे तुझसे पूछ भी कौन रहा है? और उसके बाद जो उसके कंसेप्ट हैं वो रिलेवेंट हों, क्या है, वो रिलेवेंट हों। अब मैंने इस प्राणी के द्वारा बोला गया ये वर्ड बहुत ढूंढा लेकिन मुझे इस प्राणी के द्वारा बोला गया ये वर्ड नहीं मिला, लेकिन हाँ इससे मिलता जुलता एक वर्ड मुझे मिला, रेलेवेंट। शायद ये यही बोलने की कोशिश कर रहा था, रिलेवेंट, और बोल रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। जिन भी पर्संस का मैंने नाम लिया है, ये नहीं है कि भाई मैंने सबकी बुराई कर दी, इनमें कुछ खास है ही नहीं, मैं अपनी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग से देख रहा हूं, किस किससे देख सकता है? मैं अपनी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग से देख रहा हूं। हो, एनालिटिक अंडरस्टैंडिंग से देख रहा है। अभी जाके अपनी शक्ल भी देख ले, कुछ एनालाइज कर ले अपनी इस बंदर जैसी शक्ल में, कुछ पता चलेगा, बहुत सारी चीजें पता चलेंगी तुझे। देखो मुझे कोई लेना देना नहीं था इन जैसे घोंचों से, कुछ भी बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इसने ये बात बोली। जो फौजी भाई हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं, कि अगर गवर्नमेंट ये बोल दे कि आपको अच्छे सैलरी नहीं मिलेगी इस काम की, और आपकी मर्जी आप वहां पर रहो या ना रहो, तो बताओ आप क्या करोगे? तो मेरे को खुद जवाब दे दो कमेंट के अंदर, कितने लोग वहां पर रुकेंगे? बस यहीं से दिमाग घूमा, अबे फौजियों से क्यों, क्या मतलब बनता है कि अपना एग्जाम्पल, अपनी एग्जाम्पल तुम्हें हर टाइम फौजियों के ऊपर लेके जाने होते हैं, ये फौजियों का एग्जाम्पल देकर अपने आप को क्या साबित करना चाहता था, अपने आप को क्या प्रूफ करवाना चाहता था तू? सुन, तेरे तो चमाट पड़ेंगे ना, तू पीठ दिखा के भाग जाएगा, ठीक है ना? बात कर रहा है तू फौजियों की, तेरे जैसों के जो दिमाग में टट्टी बना है ना उसे बाहर निकाल के बात किया कर। सच में गाली देने का तो बड़ा मन कर रहा है मेरा, बट क्या करूँ यार, असूलों में बंधा हुआ, वरना सुना तो मैं अच्छे से देता तेरे को। और तू अपने आप को टीचर समझता है? मैं मैथ्स टीचर नहीं हूं, नहीं, तू लोडू है। आज मेरे को लगा अपने पास पब्लिक प्लेटफॉर्म है, क्यों ना देते हैं यार। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना।